साम्राज्य के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा विष्णुगुप्त थे। बिंबिसार जो था यह हर्यक वंश का था, अशोक मौर्य वंश का था। भारतीय संघ के किस भाग में संघ और उसका क्षेत्र ये प्रथम भाग में दिया हुआ है। मार्च 2023 में 3 ईयर के कार्यकाल के लिए एक्सिस सिक्योरिटी के नए प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रणव हरिदास को नियुक्त किया गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने डैश में वैमानिकी परीक्षण रेंज ATR से पुनः प्रायोजित लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV का सफलतापूर्वक संचालन किया। ये चित्रदुर्ग जो कर्नाटक में है वहाँ से किया है। लगातार दो बिरलों के बीच की दूरी को तरंग दर्घ कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमचंद्र WC बनर्जी ने किया था। 15 अप्रैल 1980 को भारत के कितने राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 राष्ट्रीय बैंकों का। 1980 में इंदिरा गांधी ने अपने दूसरे कार्यकाल में 6 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इससे पहले आपके पहले कार्यकाल में 1969 में उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कितने विटामिन युक्त होते हैं? 8 विटामिन युक्त होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसके कार्यकाल में शुरू हुआ? लॉर्ड लिंगलिथगो के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया था। 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के नाम से मनाने लगे। वे कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं? त्यागन, समापन, क्षय, ये सभी तरीके हैं। आंतरिक हाइड्रोजन बंध कब बनता है? आंतरिक हाइड्रोजन बंध जब दो हाइड्रोजन परमाणु दो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच होता है तो बनता है। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली में किस वंश का शासक था? उस समय लोधी वंश का था। इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर इंडिया में अपना शासन लाया। रोवर्स कप फुटबॉल से रिलेटेड है। UNDP के वर्तमान प्रशासक कौन थे? UNDP के वर्तमान प्रशासक अचीम अस्टेनर हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को आत्मा और हृदय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ST जनसंख्या कितना प्रतिशत है? ST जनसंख्या 8.6% है और SC जनसंख्या अगर पूछे SC जनसंख्या 16.6% है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेरों ने 950 से 1000 ईस्वी के बीच में किया था। जब मुद्रा स्फीति दो अंकीय होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्रुत स्फीति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्रकृतिक गैस HCNG के लाभ हैं? HCNG नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन कम करता है, ये गलत है। कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए शहरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन दक्षता को बढ़ाता है, ये भी सही है, तो 2 और 3 सही है। नीति आयोग में नीति शब्द का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होगा। 2015 में मोदी जी ने योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया। सरकार की योजना PMFBY का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। भारत ने 16 जनवरी 2023 को हिंद महासागर में वरुण 21 संस्करण का किस देश के साथ किया था? ये वरुण जो है फ्रांस के साथ किया जाने वाला नेवल एक्सरसाइज है।